ज़्यादातर सड़क हादसों में लोगों की जानें चली जाती हैं और इसकी वजह लोगों का हेलमेट ना लगाना है। इसी तरह की घटनाओं में पिता को खोने वाले पुलिस अधिकारी ने पिता की पुण्यतिथि को एक अलग ही अंदाज में मनाने की शुरुआत की और विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग में बिना हेलमेट लगाने वालों को समझाइश देते हुए हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। ये अधिकारी कोई और नहीं, वर्तमान में रीवा यातायात थाने में तैनात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा हैं, जिनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता की मौत से दुखी सूबेदार पुत्र ने एक ऐसा अभियान चलाया कि अब कोई पुत्र अपने पिता को सड़क दुर्घटना में ना खो पाए, उसके लिए उन्होंने हेलमेट अभियान चला दिया है। दरअसल आज उनके पिता की पुण्यतिथि थी, जिस अवसर पर अखिलेश कुशवाहा नेशनल हाईवे पहुंचे और लोगों को हेलमेट वितरित करते हुए जागरूक किया। एक्चुअल में वाहन चेकिंग नहीं है यहाँ पर, मैं अपने स्तर पर कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। पिछले 2010 में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट से देहांत हुआ था, जिसमें हेलमेट ना होने की वजह से उनके सर में काफ़ी चोट आई थी और उनकी डेथ हुई थी। तब से मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ किसी की डेथ केवल सर की चोट की वजह से ना हो। मेरी जो छोटी कोशिश है उसके तारतम्य में मैं लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। तभी मैंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं और हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको हेलमेट बांट रहा हूं, उनको समझा रहा हूं हेलमेट आवश्यक क्यों है। अगर आप गिरते हैं, आपके सर में चोट लगती है, आपकी डेथ होती है, उससे बचने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम सभी को और आम जनता को भी हेलमेट लगाना चाहिए।